आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। और अयोध्या आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगे को लेकर नगर पालिका प्रशासन द्वारा एक रैली निकाली गई। रैली को डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है और लोगों से अपील की कि वो 11 से 17 अगस्त तक अपने घर में झंडा फहराएं। देखिए, शासन के ये आदेश हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, हर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी सबको हो और किसी भी कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखे, इसे जनता का कार्यक्रम बना दिया जाए, सब लोग इसमें सहभागिता करें। उसके तहत हम लोगों ने आज़ादी से संबंधित गीत और जो हमने SP ने या तमाम अधिकारियों ने लोगों से अपील की है उनके वो बना करके कैसेट और नगर पालिका की गाड़ी में और पुलिस का जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम उसमें ये रोज बसता रहेगा और अभी थोड़ा और नज़दीक आने पर हम लोग एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे नगर में लगवा देंगे जिसमें राष्ट्रगीत बजते रहेंगे और साथ में अपील होती रहेगी। कन्नौज में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट गीता सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को 4 अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 2,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि आरोपी को सजावधि के दौरान ही अदा करनी होगी। आपको बता दें कि 18 मई को मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। अलग अलग धाराओं में सजा हुई है, इसमें 302 में आजीवन कारावास हुआ और 376 AB में आजीवन कारावास हुआ। शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास और इन दोनों धाराओं में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास हुआ है, 10,000 रुपए का दंड हुआ है और अर्थदंड अदा न करने पर अपराधी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास हुआ। धारा 201 में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। खबर संभल से है जहां पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने गड़ासे से गर्दन काटकर विवाहिता की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार किया। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाहिता ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी और थाने जाकर SP से भी शिकायत की थी, मगर पुलिस ने फैसला कर मामले को शांत करा दिया। मेरी लड़की का ये था कि जब से शादी हुई है जब से ही ये लोग परेशान कर रहे हैं और मारते पीटते हैं उसको। क्यों मारते पीटते हैं? ये 10 लाख रुपए मांगे थे मुझसे और एक मोटरसाइकिल मांगी थी। अब से 1 महीना पहले भी पंचायत हुई थी, उसकी मैं तहरीर भी दे चुका था। उस तहरीर के आधार पर क्या कार्रवाई हुई उसमें? उसके तहरीर पर ये हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं करा, थाने वालों ने 191 चालान करके वो हाथों हाथ आ गया। अभी 1 महीना पहले लड़की के बाप को बहुत मारा इसने दहेज के चक्कर में। उसके बाद इस पर एक लड़का था वो बीमार पड़ा, लड़की के बाप ने उसकी भी इलाज कराया, पैसे दिए। रात उसकी 10 बजे की फादियाँ थी, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए इनके और प्लानिंग बनाकर लड़की की गर्दन काट दी, मार दिया। थाना आयतनगर जनपद संभल में सुबह आयतनगर की हत्या का सूचना था जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पाया गया कि सलमान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है, जिसमें मृतके के परिवार के द्वारा 3 अभियुक्त के खिलाफ FIR पंजीकृत कराई गई है, जिसमें 1 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशादेही पर आला कत्ल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रावस्ती में आगामी मोहर्रम त्योहार को लेकर जिले के समस्त थानों और पुलिस चौकी पर तजियादारों के साथ साथ पीस कमेटी की बैठक की गई है और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई है। साथ ही सभी से शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाने की अपील भी की गई। इस दौरान सभी चौकी प्रभारी और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे।
बदायूं में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें पूरा मामला दातागंज सर्किल के थाना हजरतपुर का है, जहां दिन दहाड़े ही खनन माफिया अवैध खनन कर ट्रॉली लेकर गुजरते हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है, जिससे हजरतपुर कोतवाली प्रभारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। खबर बदायूं से है, जहां ग्राम हमूरपुर चमनपुरा के एक खेत में युवती की लाश मिली। लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर फरीदाबाद के जेसी बोस YMCA विश्वविद्यालय में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली में देशभक्ति की भावना से भाग लिया। रैली की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर SK तोमर ने फीता काटकर की, वहीं इस दौरान उनके साथ कुल सचिव डॉक्टर SK गर्ग के अलावा विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसर भी मौजूद रहे। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान शान है। इस साल देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने की पहल की है। वहीं झंडे बनाने की तैयारियां जोरों पर है और गाजियाबाद के डासना जेल में कैद बंदी झंडे बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया, जेल के बंदी युवक और युवतियों को मेरठ के प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षित कर तिरंगा झंडे की तैयारी कराई जा रही है। लगभग 15,000 तिरंगे झंडे बनाए जाने की तैयारी है, जिसमें 6,000 झंडे तैयार कर प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव इस वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी आयोजित होना है, जिसमें 11 से 17 तारीख के मध्य अगस्त में आवासीय परिसरों पर भी ध्वजारोहण होना है। इसके संदर्भ में हम लोग भी ध्वज तैयार करवा रहे हैं। हमारे कारागार के बंदी इसमें बड़े उत्साह से संलग्न हैं और ध्वज बना रहे हैं। हमको विभिन्न संस्थानों और संस्थाओं से इसके ऑर्डर भी मिले हैं। हम लोग लगभग 6,000 ध्वज उपलब्ध करा चुके हैं विभिन्न संस्थानों को और लगभग हम लोग 15,000 ध्वज तैयार कर लेंगे 10-11 अगस्त तक। औरैया में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जहां ट्यूबवेल पर सो रहे युवक के साथ बदमाशों ने लूट की और एक मोबाइल 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं जब युवक ने इसका विरोध किया तो तमंचे की नोक पर युवक को घायल कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि फफूंद थाना क्षेत्र के जेतपुरा की घटना है। थाना फकून क्षेत्र के अंदर ग्राम जैतपुर से 112 के माध्यम से सूचना की लूट और मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था, जिसमें लूट जैसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। पीड़ित के भाई से तहरीर प्राप्त कर ली गई है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल पहुंचा। बताया जा रहा है कि किसी युवती के साथ छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित है, 17 साल का है लड़का, ये हमारे पास आया है, अभी वेंटी पे है, काफी क्रिटिकल है और ये इसके साथ 27 तारीख को फिजिकल अशॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हुई है। इन्होंने इनके अटेंडेंट अलीगढ़ लेके गए, फिर वहाँ से ये कल हमारे पास आया है। यहाँ पे आया है तो अल्टर सेंसोरियम में था, कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है ना। फिर इसको हमने वेंटिलेटर पे लिया और ट्रीटमेंट इसकी चालू की, सीजर्स भी आ रहे हैं इसके। कंडीशन तो है, अभी क्रिटिकल ही है कंडीशन इसकी। मैं सुरेश हूँ जी, अमित का पापा हूँ, जो कि मेरी घरवाली ने जाके थाने में रिक्वेस्ट करी, जो कि नहीं माने। और पुलिस क्या मामला था पूरा, जो कि स्कूटी से थोड़ा सा ने टम्पू लग गया था, अपने पैंट शर्ट लेने के लिए लड़का गया है और साहब स्कूटी वालों ने भी मारा,
उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने इतना मारा कि जो कि पूरा लड़का की गंभीर हालत है, कोई बचने की उम्मीद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने पिटाई की है। एक्चुअल में 27 तारीख की रात को वीटी गई थी कंट्रोल रूम में कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। उस वीटी पे 202 ERV वहाँ मौके पे पहुँची है। वहाँ उन पब्लिक ने उनके साथ मारछेड़ की है, मार पिटाई की है, और उसको वहाँ पे वो चौकी में लेके आए। चौकी में लाने के बाद उसके साथ पिटाई की हुई थी पब्लिक ने, और उनके वारसान को खबर कर दी, उसके पेरेंट्स को, उसके मम्मी वगैरह आ गई थी वहाँ मौके पे, और पुलिस ने ही वहाँ ले जाकर के उसको एडमिट कराया। भाई इसकी चोट है, इसको पहले एडमिट कराओ, इलाज कराओ इसका। पुलिस ने एडमिट कराया है। एडमिट कराने के बाद वो उसके वारसान वहीं पर आ ही गए थे, ठीक है, और पुलिस ने किसी ने कोई मारछेड़ नहीं की। खबर औरैया से है, जहां शहर में लुटेरों ने एक बाइक पर टंगे रुपए भरे बैग को लूट लिया, और वहीं पीड़ित ने पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पुलिस टप्पेबाज को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। सरेआम हुई घटना को लेकर व्यापारियों में पुलिस की ध्वस्त सुस्त व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्याप्त है। बता दें कि बैग में 55,000 रुपए नकद थे और अन्य जरूरी कागजात भी रखे थे। गल्ला मंडी से लौट रहा था और यहाँ पे सामान ले रहा था घर का, और सामान लेके मैंने झूला टांगा, और क्या नाम उसको सामान को बांधने लगे, इतनी देर में वो झूला लेके भाग गया। कितना क्या था सामान उसमें? उसमें 55,000 रुपए थे, और मेरी दुकान का कागज थे, मेरा पर्स था, पैन कार्ड वगैरह था, आधार कार्ड और चेकबुक वगैरह। ऊंची बिल्डिंग में आग हो या भूकंप, ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर सुरक्षित निकालना बेहद मुश्किल का काम होता है, जिसके चलते कई बार एनडीआरएफ जैसी संस्थाओं को लोगों की मदद करने में मुश्किल होती है, जिसके चलते सेफ्टी ना होने से कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसी के चलते शाहजहांपुर प्रशासन ने एनडीआरएफ टीमों को मॉकड्रिल कराकर न केवल एनडीआरएफ की टीमों का दमखम को देखा, बल्कि स्थानीय लोगों को सेफ्टी रूल सिखाकर लोगों को जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा करने का संदेश भी दिया। ये जिला प्रशासन शाहजहांपुर की तरफ से एनडीआरएफ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे, एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ये मॉक एक्सरसाइज का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि रियल टाइम सिनेरियो में हम अपने जो कार्य हैं उसको बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें। और जैसा कि आपने, हमने एक यहाँ पर एक सीन क्रिएट किया था कि एक हाई राइज बिल्डिंग में इन केस ऑफ अर्थक्वेक ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, तो सभी स्टेक होल्डर्स और एनडीआरएफ मिलके उस काम को किस प्रकार अंजाम देते हैं उसका एक अभ्यास किया गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद देश भर में आक्रोश व्याप्त है। वहीं राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने को लेकर यूपी के दो जिले वाराणसी और अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही कांग्रेस नेता का पुतला भी फूंका गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी और अलीगढ़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कांग्रेस नेता का पुतला फूंकते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की गई है। कांग्रेस के उप नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने राष्ट्रपति जी को जिस तरह से राष्ट्रपत्नी का के हंसी उड़ाई, जिस तरह से एक आदिवासी महिला की हंसी उड़ाई, लोकतंत्र का धक्की धज्जियां उड़ाई, भारतीय संविधान का मखौल उड़ाया, ये दुर्भाग्यजनक है। हम लोगों ने उसी के तहत सड़क पर पुतला फूंकने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि इस मुल्क का बुद्धिजीवी चुप है, इस मुल्क के वामपंथी चुप हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेसी चुप हैं, जबकि खुलेआम एक महिला की बेइज्जती की गई है। तो हम लोग एक कहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। आज हमने देशद्रोही मानसिकता से लगातार काम कर रही देश में कांग्रेस पार्टी का हमने पुतला फूंका है यहाँ दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के पशु अस्पताल पर, क्योंकि लंबे समय से कहीं ना कहीं देश विरोधी बयानबाजी कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक संवैधानिक पद है, द्रौपदी मुर्मू जी जो नवनिर्वाचित हुई हैं, उनको एक अभद्र टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने की है, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा अलीगढ़ में भी विरोध किया गया है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर के लेबर ऑफिस में इन श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन
अयोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। ये वो लोग हैं जिनके गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से निर्माण पात्र श्रमिक हैं, DOC बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जिनके लेबर कार्ड बने हुए हैं, नंबर एक। दूसरी इसमें ये है कि कानपुर नगर में जो हमें लक्ष्य मिला हुआ है, जो कानपुर नगर में हमें सूची मिली है जिनके हमें गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे, वो लगभग 1,81,000 के आसपास है। और इनके परिवार, आप तो जानते हैं कि गोल्डन कार्ड बनाए जाने की क्या उसकी क्या ज़रूरत है, क्या विशेषता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री आरोग्य बीमा योजना के तहत हम लोग ये कार्ड बना रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक की इलाज की कैशलेस व्यवस्था है सभी अस्पताल में। तो ये लाभ उनको मिले, इससे वो आच्छादित हो, इसके लिए एक ही पहल की गई है। स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने किया है 25 से लेकर के 14। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।